नमस्कार सत श्री अकाल, यू वॉचिंग 1768। तो कांगड़ी धाम के लिए निकले हम लोग अब, क्योंकि पिछला वॉक जो आपने मेरा जो ब्लॉग देखा है अपना कांगड़ा फोर्ट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। तो अब मैं फर्स्ट टाइम कांगड़ी धाम जो है, जो मतलब वैसे तो कांगड़ी धाम मैंने कैंप में खाई है, जो कैंप धर्मशाला में, कि वहाँ लड़के बना लेते हैं जो शेफ रखे हुए हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल जो शेफ है जो कांगड़ी धाम असली में किसे कहा जाता है, वो आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। और उसकी जो वीडियो है ब्लॉग मैं जरूर डालूंगा, और कितने तरह की आइटमें होगी, सब्जी होगी, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिलहाल हम अभी ऑन द वे है, और मेरे साथ अनिल भैया, और हम निकल रहे हैं। और वीडियो का एंड तक देखिएगा गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को किसी भी कोई बताता नहीं है कांगड़ी धाम के बारे में, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बंदे देते लेंगे देते नहीं रेसिपी। तो थैंक यू सो मच, और अपना प्यार देते रहिए गाइस, लव यू, टेक केयर। कांगड़ी धाम जो है पहुंच चुका हूं, और कांगड़ी धाम खाने के लिए कांगड़ा में, और ये है बूटिया। हमारे तो बूटिया बोलते हैं, की साइड आपके यहाँ बूटिया ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बूटिया? अच्छा बोटी है ना। तो ये कौन, ये वाली कौन सी सब्जी है? आलू चने का। अच्छा आलू चने का मदरा, ठीक है। और ये मटर पनीर, क्या बात है, मटर पनीर। और ये राजमा का मदरा आ गया। अच्छा राजमा का मदरा, राजमा का मदरा, ठीक है। और ये कड़ी, ठीक है जी, कड़ी। कौन से छुआरे वाले मठड़े, मठड़े खट्टी मीठी होती, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये खट्टा आ गया, ये खट्टा है ना, कद्दू डाला हुआ ना। अच्छा चने डालते हैं, मूली और चने पालक डाल के, ओके। और ये, अच्छा ये चने की दाल, चने की दाल, ठीक है। माँ जिसको उर्द बोलते हैं, माँ की दाल, ठीक है। ये तो प्लेन राइस आ गया आपके, और ये आपके मीठे चावल, मीठे चावल जो है फेमस है कांगड़ा के ना। अच्छा इसमें डाला क्या क्या आपने इसमें? काजू, बादाम, किशमिश। अच्छा साथ में मिठास डालते हैं चीनी की चाशनी बना के। अच्छा ठीक है। तो कांगड़ी धाम जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कितनी आइटमें होती है? 12-13 आइटमें है ना, जो मिनिमम 12-13 आइटमें, जिसमें आपका मीठे चावल भी आ गए है ना, मीठे चावल आ गए, 10-11 सब्जी भी हो जाती है। हमारे जैसे अर्की साइड होता है ना, एक ही अलग अलग कड़छी लगती है, आपने एक ही आपने। अच्छा हाँ जी अच्छा हाँ इसी तरीके का, ठीक है। अच्छा ठीक है। और ये पतले तो हमारे हिमाचल में मैक्सिमम यूज़ ही होती है हर जगह, चाहे आप हिमाचल में कहीं भी जाओ, ट्रेडिशनल तरीके से जो है रोटी खिलाई जाएगी। उठाओ भाई ज़रा उसको, उठाओ आप, अरे उठाओ आप उसको, पत्तल को उठाओ ज़रा। ये पतले तो हर जगह मिलेगी आपको, ये तो हर जगह मिलेगी, हमारे यहाँ की भी मिलेगी आपको। हाँ ठीक है, यहाँ लगेगी। क्या लगेगी? पैंट। अच्छा पैंट, हाँ नीचे बैठने के लिए। हमारे पैंट ही बोलते हैं। हाँ बढ़ के चले फिर, क्यों क्या हुआ? रू से मिलन होगा। रू ये है सुमित भाई, हमारे कैंप धर्मशाला के ऑनर, मैंने आप पहले भी वीडियो में बताया आपको, सुमित भाई है, सुमित सोहाल कैंप धर्मशाला, इनकी भाई की शादी में आया हूँ, बड़े वाले की। वो बंदा नाइस है, ये थोड़े समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है बड़का, यहाँ कांगड़ा में बड़के को बड़का बोला जाता है, भाई की शादी है। भाई पता नहीं क्यों छुप रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई छुप क्यों रहा है, अभी तो बता दो है। अच्छा कांगड़ा में बड़े भाई को बड़का बोला जाता है, अच्छा अच्छा नहीं मैं वही बोल रहा था। शगन लिख रहे आप,
नहीं शकन मैंने तो दे दिया धाम है यहाँ पे, जो भी लोग बुलाए हैं वो। ये क्या चीज है? पैसे जमा कराते हैं, ताला लगाते हैं, शकुन देके जाएंगे। ये बताएंगे मेरे को क्या है? ये चावल है, गुड़ है। नहीं वो तो समझ गया, बोलते क्या है, नाम तो होगा इसका कुछ। शकुन, शकुन के लिए। अच्छा मतलब जब शकुन देंगे आप उसको चावल? चावल रखे होते हैं, डोरी में रखे थे। अच्छा और बांधेंगे मतलब आप हाथ में दें? हाँ बस ऐसे ही रखा है, रखा जाता है शुभ। अच्छा शुभ के लिए। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी एक्टिविटी हो रही है? अरे जो एक्टिविटी होती है वो तो बताओ, लेडीज बताएंगी आपको। कौन सी एक्टिविटी है तो बता सकते हैं, वो किस चीज़ की एक्टिविटी है दिखा दो, वीडियो पता लग जाएगा कांगड़ा में क्या होता है। ठीक है। अच्छा ये जो नई दुल्हन है ये अपने सभी रिश्तेदारों को गुणे बांट रही है, ठीक है ना, उसके बदले कैसा होता है मीठा? ये मीठा होता है, ठीक है, दूध और आटे का बना होता है, ठीक है ना, यीस्ट डाल, यीस्ट डाल के। चीनी भी डालते हैं? हाँ ये देखो बड़ी विद्वान महिला आपके सामने देखी आपने, इन्होंने ये भी क्या बोलते हैं जो बहू है, हाँ दूल्हे दूल्हे की बहन है, ठीक है ठीक है। और ये गुणे जो है फ्री नहीं मिलते हैं, विद योर ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के साथ पैसे, ये डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा के ऊपर, ठीक है ना जी। 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, 300। नहीं अपनी भाषा में बोलो, अच्छा बोल रहा है वो, अच्छी लगती है मेरे को लैंग्वेज वाली ना, जो तू ही खिलाई नहीं गलत है ना ते, मेरा इंटरव्यू हुआ था मंजा खराब करा दी तू, हैं तू नहीं चाहती तेरा जिज्जा मतलब 10 रुपये नहीं मिलते, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया कम से कम 100।